The equivalent resistance between the terminal x and y of the network shown is, ये नेटवर्क दे रखा है एक, ठीक है। अब अपन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, मतलब इन रेजिस्टेंस से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो पूछा गया, ठीक है। अब आधे लोग तो यही सोच के परेशान हो जाते हैं कि जब यहाँ पे आर है, इसकी वैल्यू दे ही नहीं रखी है और ऑप्शन में कहीं आर तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर ये आंसर कैसे आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आधे लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने में जुट गए, उन्होंने ऑप्शन ही नहीं देखा। भाई पहली बात तो ये जो है ये सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन नहीं है, उससे पहले भी इसमें एक कंसेप्ट लगना है, ठीक है। या आप इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये एक वीट स्टोन ब्रिज का जैसा है, ठीक है। जिस जो दो रेजिस्टेंस लग रहे हैं ये 5 और 15 और ये बीच में जो आर रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। आप अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक्स और वाई को पकड़ के आप खींचोगे, ठीक है। एक बार आप इमेजिन करो, जब ये खींचेगा ना तो ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और अपन जानते हैं कि ये ब्रिज कौन सा कहलाता है, वीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। अब वीट स्टोन ब्रिज में अब अपन को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और अपन को पता है कि ये वीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, उस जैसा स्ट्रक्चर है। अब वीट स्टोन ब्रिज है तो अपन को वीट स्टोन ब्रिज की एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जब वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है ना, जब बैलेंस होगा मतलब आर वन ये अपॉन आर टू इक्वल्स टू आर थ्री अपॉन आर फोर हो जाएगा, है ना। तब ये बैलेंस कंडीशन में ये जो मिडिल वाली आर्म है इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है ना, तो करंट फ्लो नहीं होता है तो इसको अपन एक तरीके से क्या मान सकते हैं, ओपन सर्किट। और फिर अपन को इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये विद वीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस व्हेन आर वन अपॉन आर टू इक्वल्स टू आर थ्री अपॉन आर फोर। जब आर वन अपॉन आर टू इक्वल्स टू आर थ्री अपॉन आर फोर हो जाए, मतलब कि उस टाइम क्या होता है, वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कहलाता है। और बैलेंस कंडीशन में मैंने क्या बोला, ये जो मिडिल वाली आर्म है इसमें से करंट फ्लो नहीं करता, ध्यान रखना। आर वन अपॉन आर टू ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस का फ्रैक्शन अपॉन नीचे वाली रेजिस्टेंस का फ्रैक्शन इक्वल आ जाए तो वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन कहलाती है। और बैलेंस कंडीशन में मिडिल आर्म से करंट नहीं बहता, ठीक है। जब अपन ने यहाँ पे फिर देखा, अपन ने इसकी कैलकुलेशन करी, आर वन अपन आर टू इक्वल्स टू आर थ्री अपन आर फोर। आर फोर आर वन लिखा अपन ने 5, आर टू 15 था और आर थ्री 10 था और आर फोर 30 था। ये देख लो आप, यहाँ पे मैंने यही किया, 5 अपॉन 15 इक्वल्स टू 10 अपॉन 30। तो आप वैसे ही देख सकते हो, 1 अपॉन 3 5, 5 3 जो 15 और 10 3 जो 30, है ना। तो 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 आ गया। इसका मतलब कि जो अपना जो गिवन ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है, ठीक है। अब जब बैलेंस ब्रिज है तो अपन ने बोला बैलेंसिंग कंडीशन में मिडिल आर्म से करंट नहीं फ्लो होगा, करंट नहीं फ्लो होगा मतलब वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अपन वो जो रेजिस्टेंस आर था उसमें से जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो वो अपने किसी काम का नहीं है, अपन उसको हटा सकते हैं और हटाना ही है आपको, ठीक है। अब अपने पास ये आ गया और इसका अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था भाई, मैं सीरीज पैरेलल पर एक सिंपल से कंसेप्ट पर देख रहा हूँ। दो रेजिस्टेंसों ने अगर एक ही हाथ पकड़ रखा है ना, और दूसरा हाथ किसी और जगह कनेक्टेड है, तो वो दोनों कहलाते हैं सीरीज में। आप वैसे देखोगे तो ये सिंपल सा सीरीज में ही है ना। आप वैसे भी करंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, करंट से भी मतलब देख सकते हो कैसे, जैसे ये जो करंट यहाँ से जाएगा वो ये रास्ते में होते हुए इस रास्ते जाएगा, मतलब दोनों में करंट सेम रहेगा, ठीक है। और करंट सेम रहता है, अपन को पता है करंट सेम किस में रहता है, सीरीज में। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। या फिर मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है भैया, अगर दोनों ने एक ही हाथ पकड़ रखा है तो किस में है, सीरीज में। इन दोनों ने 5 और 15 ने अपने दोनों को एक ही हाथ पकड़ रखे थे, ठीक है। तो मैं इसको और खींचूंगा तो वापस ही ऐसा सा बन जाएगा 5 और 15, और 10 और 30 ने भी दोनों का ये वाला हाथ ही पकड़ रखा है, तो दूसरा क्या बन जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, 10 और 30। अब 5 और 15 जब सीरीज में, तो अपन सिंपल सा दोनों को ऐड करके इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, 20, और 10 और 30 कितना है, 40 हो जाएगा, वो भी सीरीज में, ठीक है। अब देखो ये दोनों, अब 20 ओम रेजिस्टेंस का एक हाथ ये रहा, ठीक है, और दूसरा हाथ ये रहा, और 40 ओम रेजिस्टेंस का भी एक हाथ ये रहा और दूसरा हाथ ये रहा, मतलब कहने का मतलब है दोनों ने एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़ रखे हैं। दोनों किस में कहलाएंगे, पैरेलल में। और पैरेलल में बताया तो अपन को रेसिप्रोकल करके सम करना पड़ता है, 1/20 प्लस 1/40। इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो आपका आंसर आ जाएगा 40/3। थैंक यू।